बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम हमारी फर्स्ट ईयर के साइकोलॉजी को पढ़ेंगे, जिसमें हम लेक्चर नंबर 2 को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि हम हमारे चैप्टर नंबर 1 नफ्सियात के तारुफ से लेंगे। इसको पढ़ने से पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि नफ्सियात के तारुफ का जो आपका फर्स्ट चैप्टर है, ये आपका फर्स्ट पेज है। इसमें आपने अपने मेन मेन मतलब याद करने का तरीका या डाटा को अपने बुक में से उठाने का तरीका क्या है और आप किस तरह से इस टॉपिक को लिखेंगे, तो सबसे पहले आप हाईलाइट कर लीजिएगा अपनी बुक के अंदर मेन मेन टॉपिक्स को, फिर उनकी डेफिनेशंस को लिखिएगा। इस तरह से वो थोड़ा अट्रैक्टिव हो जाएगा, तो जो एक्स्ट्रा मटीरियल होगा वो आपको याद नहीं करना पड़ेगा। इसमें आपको फिल्टर करके सारा डाटा प्रोवाइड किया जा रहा है। मायने और तारीफ को हम देखते हैं। नफ्सियात साइकोलॉजी का लफ्ज़ है, जो ग्रीक यानी कि यूनानी ज़ुबान के दो अल्फाजों से मिलकर बना है, जिसमें साइकी का मायने रूह और लोगस के मायने गुफ्तगू के हैं। इसका मतलब होगा कि जो पहली तारीफ थी वो इल्म रूह की थी। इससे मुराद होगा कि रूह के बारे में गुफ्तगू करना, या आप यूँ कह सकते हो कि ऐसा मजमून जिसमें रूह का मुताला किया जा सके, उसको आप इल्म रूह कहेंगे। इसको इल्मे रूह की जो तारीफ है उसको बताया है फ्राइड ने, जो कि बाबाए नफ्सियात के नाम से जाने जाते हैं, और इनको इस दुनिया से रुखसत हुए 75 साल हो चुके हैं। एतराज़ात इसमें कौन कौन से आते हैं? सबसे पहले तो हम देखते हैं कि इस पे एतराज़ात क्यों किए गए। वो कहते हैं कि रूह की जो अफ़ाल हैं, जिस्म के साथ जो उनके ताल्लुकात हैं, उस पर कुछ एतराज़ात किए गए। जैसे कि हम मुसलमान हैं तो हमें इस बात पे यकीन है कि रूह का वजूद है, लेकिन हमें यह भी मालूम है कि ये एक गैर फानी चीज़ है, इंसानी जिस्म के अंदर मुकीन होती है, इंसानी जिस्म के अंदर मौजूद होती है। जब इंसान इंतकाल कर जाता है या उसको मौत आ जाती है, तो उसके बाद ये जिस्म से जुदा हो जाती है और अब्द तक ज़िंदा रहती है। तो ऐसी चीज़ जो मर जाती है, हम उस पर कैसे तजर्बा कर सकते हैं, मतलब हमारे जिस्म से वो अलग हो गई, तो हम किस तरह से साइकोलॉजी के जो वो गुफ्तगू है रूह के बारे में आप कह रहे हो, यूँ कह रहे हो कि ऐसा मजमून जिस पर हम रूह का मुताला करेंगे, तो फिर मुताला कैसे करेंगे जब हमारे पास फिज़िकली कुछ है ही नहीं? जब हम वफात पा चुके हैं तो फिज़िकली हमारे जिस्म जो है वो ख़त्म हो गया, तो रूह ना हम उसे देख सकते हैं ना महसूस कर सकते हैं, तो किस तरह से हम उस पर जो है अपना इस तारीफ को बताएंगे या इसके तजर्बात करेंगे। इसी तरह रूह का मुताला साइंसी तरीके से भी मुमकिन नहीं, क्योंकि हम जिस चीज़ को महसूस नहीं कर सकते उसका मुताला या उस पर मतलब तजर्बात करके उसे साइंस कैसे साबित करेंगे। इसी तरह से रूह का मुशाहिदा नहीं किया जा सकता, मतलब रूह पर आप मरूजी मुशाहिदा नहीं कर सकते। मरूजी मुशाहिदा क्या है, इंशाल्लाह आपके सेकंड चैप्टर का ये टॉपिक है, इसको वहाँ पर हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। इसीलिए जितने भी नफ्सियातदान थे उन सब ने इस तारीफ को रद्द कर दिया। इसके बाद नफ्सियात बतौर इल्मे ज़हन, जो नफ्सियात की दूसरी तारीफ थी, वो आई है। नफ्सियात की पहली तारीफ और दूसरी तारीफ जो है, इसमें से MCQs पूछे जा सकते हैं कि जैसे साइकी क्या है, लोगस का क्या मतलब होता है, और साथ में वो आपसे ये भी पूछ लेते हैं कि पहली तारीफ कौन सी है नफ्सियात की, नफ्सियात की दूसरी तारीफ के बारे में बताएं। तो नफ्सियात बतौर इल्मे ज़हन, ये हमारे पास दूसरी तारीफ है, जो कदीमी यूनानी यानी कि ग्रीक के जो माहिरीन नफ्सियात थे उन्होंने दूसरी तारीफ के मुताबिक इसे ज़हन करार दिया। अगर नॉर्मल हम आम इंसानों से पूछें या किसी से भी पूछें कि ज़हन क्या है, वो फौरी यही कहेंगे कि ये हमारे जिस्म और दिमाग में कोई गैर मरई चीज़ है, जिसके साथ इंसान के ख्यालात, एहसासात और अरादे वाबस्ता होते हैं। तारीफ कुछ इस तरह से कर सकते हैं हम कि फ़र्द की नफ्सियाती कैफियत, जज्बात और एहसासात, शऊर और लाशऊर अमाल के मजमूए को हम ज़हन कहते हैं। इसके अलावा हम आगे देखते हैं कि नफ्सियात जो है बतौर इल्मे ज़हन, इसको जो कहते हैं कि पहली बार जो पहली तजर्बागाह बनाई गई थी, वो बनाई थी विलियम वॉन्ट ने, जो फादर ऑफ साइकोलॉजी कहलाते हैं। उन्होंने जब पहली तजर्बागाह का क्याम हुआ था, तो उस वक़्त
नफ्सियात को ये बंदा भी इल्मे जहन ही करार दे रहा था। वॉल्यूम वोट और टिचनर जो है इस तजर्बा गाह में नए मकबे फिक्र की साख्तों के बानी थे। मतलब ये ब्रेन से रिलेटेड चीज़ों को या कोई भी नफ्सियात से रिलेटेड कोई नई चीज़ आ रही है तो उसकी साख्तें जो थे एक्सप्लेन करते थे, उनको इंट्रोड्यूस करवाते थे, तो उनका बानी इन्हें कहा जाता था। टिचनर जो है ये विलियम वोंट का शागिर्द रह चुका है, इनको आप स्टूडेंट कह सकते हैं इसके। तो दोनों भी नफ्सियात को इल्मे जहन ही करार दे रहे थे उस वक़्त। ये इनकी पिक्चर्स हैं जैसे टिचनर की और वॉल्यूम वोंट की। तो वॉल्यूम वोंट जो है ये फादर ऑफ साइकोलॉजी है और टिचनर ने इल्मे जहन पर अपनी तारीफ को बयान किया था। तो टिचनर के मुताबिक इसकी तारीफ क्या थी, वो कहता था नफ्सियात को जहनी अमाल का मजमुआ। तो जहनी अमाल क्या था, वो कहते हैं जहनी अमाल हम दरअसल वो कैफियात हैं जो कि हमारे जहन में जारी और सारी रहती हैं, मुसलसल हमारे जिस्म में चलती रहती हैं या हमारे मुसलसल हमारे दिमाग में कंटिन्यूसली वो काम करती रहती हैं, अपना काम जारी और सारी रखती हैं। इस पे एतराज़ात क्या कह रहे कि आप जहन का तज्जिया नहीं कर सकते क्योंकि ये मुशाहदे के जम में नहीं आ रहा, या सॉरी जमर में नहीं आ रहा। जहन में कैफियात जो जारी और सारी रहती हैं, मतलब मुसलसल अगर हमारे जारी और सारी रहते हैं तो समटाइम क्या मुसलसल वो चेंज भी होती रहती हैं, तब्दील भी होती रहती हैं, तो उनका मुताला करना नामुमकिन था। नामुमकिन किस लिए था कि इंसान अपने जहनी अमाल का तो मुताला कर सकता है लेकिन किसी दूसरे के जहनी अमाल का, किसी दूसरे की कैफियत का मुताला वो कैसे करेगा। इसी के साथ हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है। इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इल्मे शऊर क्या होता है, इल्मे करदार पे क्या बात हुई, यानी कि नफ्सियात की तीसरी और चौथी तारीफ क्या थी, नफ्सियात बतौर इल्मे करदार क्या काम कर रहा है और जहनी अमाल मुख्तलिफ जो माहिरीन नफ्सियात हैं जैसे एफएल रूश या जीरो है इनके मुताबिक ये क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं। बुनियादी तारीफ जो है वो साइकोलॉजी की क्या है वो इंशाल्लाह हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इसके साथ हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है। लेक्चर पसंद आ गया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें, कमेंट भी करके आप कोई सवाल पूछ सकते हैं साइकोलॉजी से रिलेटेड। इसके साथ इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।